नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब स्पॉन्जी केक, जिसमें मैंने तेल का भी इस्तेमाल किया नहीं है और ना ही मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही हेल्दी बनने वाला केक है और इसे मैंने बिना अंडे के और बिना ओवन के बनाया है। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इस बड़े बाउल में हम डालेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर ताज़ा दही लिया है और ये मैंने आधा कप दही लिया है। तो सबसे पहले हमें दही को अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें किसी भी प्रकार के लम्स ना रहें। और अब मैंने इसमें डाली है पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी डाली है, साथ में एक चौथाई कप चीनी और डाली है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब मैंने यहाँ पर घर की मलाई ली हुई है, तो ये मैंने एक चौथाई कप मलाई ली है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। हम आज इसमें ऑयल नहीं डाल रहे हैं और ना ही बटर डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप ऑयल या बटर दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी मात्रा भी एक चौथाई कप ही रहेगी। और अब देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं मैदा। यहाँ पर मैंने एक तिहाई कप मैदा डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने महीन दाने वाली सूजी ली है और इसे मैंने एक कप लिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपकी सूजी महीन नहीं है तो आप उसे मिक्सी में एक बार चला लीजिए तो वो एकदम अच्छी तरह से महीन हो जाएगी। हम इसमें मोटे दाने वाली सूजी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। और अब इसे हम धीरे धीरे अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्पीड से हम इसे नहीं मिलाएंगे, हल्के हाथों से हम इसे मिलाएंगे। और देखिए अभी हमें बैटर काफ़ी थिक लग रहा है, इस तरह से है ये। तो अब हम इसमें मिला देंगे दूध ताकि हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी हो जाए। और अब मैंने यहाँ पर एक तिहाई कप दूध मिला दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और देखिए अब कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और क्योंकि अभी हमारी सूजी पड़ी है इसमें और वो फूलेगी और इसलिए हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें किसी भी प्रकार के लम्स ना रहें। और देखिए बैटर हमारा लगभग तैयार हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी अभी इस प्रकार की है। तो अब हम इसे ढक करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से फूल जाए सूजी हमारी। और देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी थिक हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी फिर से इक्वल करने के लिए हम इसमें मिल्क मिलाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम इसमें मिल्क मिलाएंगे, पर ध्यान रहे दूध हमारा ठंडा ना हो, वो रूम टेम्परेचर पर ही हो। और देखिए अब हमारे केक की बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार की हो गई है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, साथ में हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा डाला है और इसे भी हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिया है वेनिला एसेंस, तो इसे हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला है और इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। इससे केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इस तरह मैंने यहाँ पर एक केक का मोल्ड लिया है। आप किसी भी बर्तन में इसे अच्छी तरह से बेक कर सकते हैं। नीचे मैंने इसमें बटर पेपर लगाया है और साथ में हम इसे ग्रीस कर लेंगे थोड़े से ऑयल या बटर के साथ ताकि केक हमारा जल्दी से निकल जाए। और देखिए हमने इसे ग्रीस कर लिया है और अब जो है हमने जो बैटर बनाया है उसे डाल देंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स इसी तरह की होनी चाहिए। और अब हम इसे एक बार टैप कर लेंगे और उसके पहले हम इसमें डाल देंगे टूटी फूटी। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अगर आपको टूटी फूटी पसंद ना हो तो। और एक बार इसे कर लेंगे टैप। और चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली हुई है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है लगभग 1 कटोरी के करीब और साथ में रखा है वायर स्टैंड। और इसे हम ढक करके लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ। और अब हम इसका केक के टिन को इसमें रख देंगे और इसे ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसके बाद हम बाकी के 25 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पर बेक करेंगे। और देखिए इस तरह से आपका केक बेक हो जाएगा, फूल जाएगा, साथ में किनारों तरफ से गोल्डन हो जाएगा। तो आप इसे एक टूथपिक से इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपकी टूथपिक एकदम साफ़ है तो समझिए हमारा केक बन करके तैयार हो गया है।
तो मेरा केक तो तैयार हो गया है और अब मैंने इसे कर लिया है ठंडा। और आप देखिए कितना बढ़िया बना है, कितना स्पॉन्जी है, बिना ऑयल बिना बटर का बना है। तो चलिए अब हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं। और आप इस केक की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो बटर पेपर हमने लगाया था उसे भी हटा देते हैं। और आप देखिए कितना परफेक्ट कुक हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी और डाल देते हैं। और आप चाहें तो इसे क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इसे मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना बढ़िया स्पॉन्जी बना और कितना दानेदार बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हैं एक और नई रेसिपी के साथ, और इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए।